बारे में जो बुनियादी मसला था ये कि ये जो द्राबू साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली में एक फंक्शन में बयान दिया है कि कश्मीर पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये सोशल मसला है, ये वार यहाँ कन्फ्लिक्ट जोन नहीं है कश्मीर, उस बारे में हमने वजाहत की कि चीफ मिनिस्टर को इस बारे में वजाहत करनी चाहिए उसकी पार्टी का मौकिफ क्या है। अगर मौकिफ यह है तो फिर उन्होंने टोटली मर्ज किया अपने आप को बीजेपी में। बीजेपी यही कहती है ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। हमारा दावा यह है ये शुरू से पॉलिटिकल मसला है, और उस बारे में हमने ये भी कहा है कि फिर यहाँ चार जंगें क्यों हुई अगर ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा लोग कैसे मारे गए 1990 से लेकर आज तक, हज़ारों लोग जेलों में क्यों होते हैं, ये जो आज ऑपरेशन ऑल ओवर टूर ऑपरेशन कैसो चल रहा है ये इसकी क्या बुनियादी है, ये इंटरलोक्यूटर किस लिए भेजे जा रहे हैं, बहुत सी बातें हैं जो जिनके बारे में हमने इनको जानकारी दिलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गुलाम मोहम्मद देखिए ये शगुफे डाल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उसको लोगों ने जवाब दिया पैगाम मोहब्बत, या तो उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए, जब भी किसी बात में सिंसियरिटी और ऑनेस्टी हो उसका रिजल्ट सामने आ जाता है, जब सिंसियरिटी नहीं हो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कश्मीर गया बात की, वो कह रहा था मैंने 20,000 लोगों से बात की, कौन 20,000, उसके उठते ही वहाँ आज़ादी के नारे चले तो वो बेचारा निकल गया वहाँ से, इससे कहीं नहीं होता है, ये काम श्री श्री का नहीं है। वो जो कभी अयोध्या में भी जाए वहाँ कहे अगर यहाँ मंदिर बनना है नहीं तो यहाँ सीरिया जैसे हालात होंगे, ऐसे लोगों के कुछ असर नहीं पड़ता है, न लोग इन लोगों को सीरियसली लेते हैं।